लास्ट वीडियो में हमने कूलिंग वाटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज क्लियर की थी, जैसे क्या होता है, क्या नुकसान है उसके, क्या फ़ायदे हैं कूलिंग सिस्टम के और कितने प्रकार का होता है। आज हम उसमें बात करने वाले हैं जो क्लोज लूप्ड वाटर जैकेट सिस्टम होता है डीजल जनरेटर में, वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या असेट होते हैं। आइए उसको एक फ्लो डायग्राम की मदद से समझते हैं। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डीजी कूलिंग सिस्टम और कूलेंट सप्लाई इसका एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। थोड़ा सा देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये इसमें क्या है, रेडिएटर है। सबसे पहले होता है रेडिएटर, यहाँ पर ये रेडिएटर भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, रेडिएटर की जगह पीएचई भी हो सकता है और पीएचई की जगह सेल एंड ट्यूब टाइप एक्सचेंजर भी होता है, सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर ये भी हो सकता है। तो इन तीन चीज़ों में से कोई भी हो सकती है, जैसा इंजन होगा वैसा होगा। अगर रेडिएटर होगा तो यहाँ फैन लगा हुआ होगा, और पीएचई और सेल एंड टाइप ट्यूब टाइप होगा तो वो कूलिंग टावर से होगा। तो अभी हम इससे बात कर लेते हैं, रेडिएटर से। ये फ्रेंड रेडिएटर लगा हुआ है। अब रेडिएटर से आगे क्या होता है, रेडिएटर का काम है पानी को ठंडा करना। रेडिएटर पानी को ठंडा कैसे करता है फ्रेंड, यहाँ फैन लगा हुआ, और ये फैन क्या रहता है, इंजन की शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। मींस या तो ये इंजन में अगर अलग से भी लगा होगा तो इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसी के जरिए फैन बेल्ट से घूमेगा, या फिर डायरेक्टली इंजन शाफ्ट से जुड़ा हुआ होगा। तो मींस ये घूमेगा तो यहाँ से एयर गुजरेगी इस तरीके से, और एयर जब क्रॉस करेगी तो फ्रेंड जो इसमें पानी चलेगा अंदर, वो पानी ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। रेडिएटर का यही काम है। आगे समझते हैं इसमें कैसे कैसे लगा है। प्रोबेबली कूलेंट होता है क्योंकि क्लोज लूप है ये, तो जो इसमें कूलेंट भरा हुआ है उस कूलेंट को इस पंप के थ्रू इंजन में सप्लाई किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक पंप लगा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। और यहाँ से क्या है, आगे ये कूलेंट फिल्टर लगे हुए हैं, जो कूलेंट है उसके बाद फिल्टर लगे हुए हैं। मीन्स पंप यहाँ से सप्लाई करेगा और कूलेंट में ये फिल्टर हो जाएगा कूलेंट, क्योंकि अगर कुछ ऐसा उसमें गंदगी आ रही है या कोई बड़ा पार्टिकल आ रहा है तो जाके वो सेल में ना जमा हो, आगे जमा ना हो, इसलिए ये यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद इसकी सप्लाई फ्रेंड्स ये गई है, और ये आकर के ये क्या है, मैंने बनाया है सिलेंडर। तो फ्रेंड्स सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का अंदर का पार्सन ये है, और सिलेंडर के बाहर जो आप ये देख रहे हो, ये ऑयल पानी आया हुआ है, कूलेंट आया हुआ है, और ये कूलेंट इसमें भर रहा है, यानी इनमें चलता है। ये जो आप देख रहे हो ये कूलेंट है, और यही कूलेंट चलता है चारों अंदर इसके इसके चारों तरफ। तो इसको बोलते हैं जैकेट, जो मैं बता रहा था उसमें सिलेंडर के चारों तरफ जैकेट होती है, वो यही जैकेट होती है, और इसी जैकेट में चारों तरफ पानी चलता है, यानी कूलेंट चलता है। और कूलेंट जब चलता है तो लाइनर पिस्टन, ये जो सिस्टम चल रहा है इसका सारा, अंदर ये लाइनर है, लाइनर के बाद फिर ये कनेक्टिंग रोड है, फिर पिस्टन है, ये रिंग है, जो कुछ भी इसका सिस्टम है, इसके चलने से जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है वो टेम्परेचर इन पानी में आता है, और ये पानी फर्दर आगे चला जाता है थर्मोस्टेट के थ्रू रेडिएटर में, समझ गए फ्रेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसके चलते चलते फ्रेंड, जो ये कंबस्टन चैम्बर है, ये क्या है, कंबस्टन चैम्बर। इस कंबस्टन चैम्बर में जब आग लगती है यानी फायर आती है तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, आप यकीन नहीं करोगे, 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो उसके अब उसमें क्या है, अगर इतना टेम्परेचर कंटिन्यू चल गया तो जल जाएगा, तो पानी से ये ठंडा करना पड़ता है सराउंडिंग का एरिया, जिससे जो है ये कंट्रोल वे में चलता रहे और हमारा कोई भी नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। तो पानी यहाँ से फिर रिटर्न पहुँच गया थर्मोस्टेट में। अब थर्मोस्टेट का क्या काम है फ्रेंड्स, जब होता क्या है कि इनिशियली जैसे इंजन स्टार्ट हुआ था, इंजन स्टार्ट होगा तो उस समय कूलेंट ठंडा होगा, जब कूलेंट ठंडा होगा तो उसकी लिमिट है, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का कूलेंट है तब तो ये क्या करेगा, बाईपास करेगा, 80 डिग्री पे कितना करेगा, बाईपास करता रहेगा, ठीक है। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कूलेंट का, तो ये क्या करेगा, इस वाल्व को नीचे वाले को बंद कर देगा और लाइन को कंटिन्यू रेडिएटर में देना शुरू कर देगा। ये क्लियर हो गया, थर्मोस्टेट का काम यही है कि जब कूलेंट ठंडा है तो उसको बाईपास करता रहे, और जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने लगे तो धीरे धीरे उसको खोल दे। और फ्रेंड 95 डिग्री पे जाके बंद हो जाता है, तो 80 मीन्स 85 तक ही वाल पूरा खुल जाता है, 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही वाल इसका पूरा खुल जाता है और ये वाला बंद हो जाता है, और जो कूलेंट है हमारा वो रेडिएटर के थ्रू आने लगता है, पहली चीज। अब फ्रेंड ये तो हो गया लाइनर पिस्टन, जो सिलेंडर है वो ठंडा, लेकिन जो उसमें ऑयल चलता है ल्यूब ऑयल, उस ल्यूब ऑयल को भी तो ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। जो हम एयर ले रहे हैं इनटेक बड़े इंजनों में,
टर्बोचार्जर के द्वारा, उसको भी ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है सिस्टम, यहीं से जो ये इन है इसका, इसका इन पॉइंट है, यहां से एक टैप कर लिया जाता है और एक फैन, एक कूलिंग टावर, वो सॉरी एक पंप और लगा हुआ होता है। तो दो पंप हो गए इसमें, ये पंप के बाद भी कूलेंट फिल्टर लगे हुए होंगे, मैंने लिखे हुए हैं ये कूलेंट फिल्टर। कूलेंट फिल्टर के बाद फर्दर इसमें दो लाइनें हो जाती हैं फ्रेंड्स, एक चली जाती है ऑयल कूलर को और एक चली जाती है इंटर कूलर को। ये फ्रेंड्स जो है ये आप देख रहे हो ये इंटर कूलर है, मैं इसको लिख देता हूं क्या है ये इंटर कूलर। तो इंटर कूलर क्या होता है फ्रेंड्स, पहले इंटर कूलर समझ लेते हैं, ऑयल कूलर बाद में समझ लेंगे। इंटर कूलर में क्या होता है फ्रेंड्स, पानी जाता है और पानी फर्दर इसमें से इंटर कूलर में से निकलते हुए रेडिएटर को चला जाता है। ये पानी कहाँ चला जाता है वापस, पानी यहाँ आ गया फ्रॉम इंटर कूलर, पानी फिर रिटर्न लाइन में आ गया, रेडिएटर में ठंडा हो गया, फिर यहाँ से आया और फिर इसमें से चल के ऐसे चला गया। तो ये एक लूप बन गया। अब दूसरा क्या चीज़ है ये फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया हुआ है ये टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर ऐसी प्रकृति का होता है कि डबल एक्सल होता है इसमें, एक तरह से एक तरफ एग्जॉस्ट, एक तरफ से ये फ्रेश एयर लेगा और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट बाहर निकालेगा। तो ये जो पोर्शन है इसका फ्रेश एयर लेने का है और ये जो पोर्शन है इसका एग्जॉस्ट बाहर करने का है। तो इसमें देखिए अब यहां क्या है, ये इंटरकूलर लगा हुआ है, तो इसी इंटरकूलर में ये ट्यूब सिस्टम है या सेल सिस्टम है, जोन सा भी है। तो इसने क्या किया, यहां बेस से फ्रेश एयर सक कर ली, फ्रेश एयर सक करने के बाद इसने इसको दी इंटरकूलर को। जब इंटरकूलर में जाएगी तो ठंडी हो जाएगी और जब हम ठंडी एयर देंगे तो फ्रेंड्स उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और दूसरा जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो हमारे सिलेंडर को भी, यहां भी उसको टेम्परेचर को ठंडा रखने में आसानी होती है और उसको ठंडा रखने में ज्यादा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और एवरेज भी इंजन का बढ़ जाता है। तो ये ठंडी एयर देगा, यहां ये एयर ठंडी होगी, एयर यहां से फिर ठंडी होकर एयर इन आ गई, जो हमारा ये कंबस्टन चैम्बर है, कंबस्टन चैम्बर में जो एयर इन होगी वो इसके थ्रू होती है। तो ये इंटरकूलर क्या करता है, जो फ्रेश एयर हमारी उसमें जानी है कंबस्टन चैम्बर में, उसको ठंडा करने का काम करता है। ये वाटर टाइप है, एयर टू एयर टाइप भी आता है, लेकिन जब बड़े इंजन होते हैं तो उसमें वाटर टाइप आता है, उसका सिस्टम ऐसे होता है। अब यहीं से टैपिंग है फ्रेंड्स ऑयल कूलर को। तो देखो ऑयल कूलर में भी सेम होगा, ये पानी या तो इसमें ट्यूब होंगी तो उसमें से निकल के आ जाएगा या प्लेट होंगी उसमें से निकल के आ जाएगा। यहाँ से पानी इसमें से जाने के बाद वापस निकल आया, ये गया रेडिएटर को, ये कहाँ आ गया, ये फ्रेंड्स यहाँ आ गया और ये भी रेडिएटर में ठंडा हो गया वापस, फिर सर्कुलर में साइकिल में आ गया। तो इसमें क्या रहता है, इसमें देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इन ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल क्या होता है, यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। तो दो चीज़ें होती है, या तो सम्प में ही इसकी फिटिंग ऐसी होती है कि ये पानी उसी सम्प में से होकर गुजर जाए, तो सम्प जो ऑयल सम्प होता है वो ठंडा रहेगा, जो ल्यूब ऑयल है उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, या उसमें जो पंप लगा रहता है ल्यूब ऑयल का, जो पंप के थ्रू हम जो पूरे लाइनर पिस्टन और ऊपर तक फ्यूल ल्यूब ऑयल की सप्लाई करते हैं, वो पंप के बाद सबसे पहले ऑयल कूलर में आएगा ऑयल और यहाँ से ठंडा होने के बाद ऊपर को सप्लाई हो जाएगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। क्योंकि ल्यूब ऑयल में क्या होता है फ्रेंड्स, मोस्ट प्रॉब्ली जो 15W40 यूज किया जाता है उसकी मैक्सिमम जो होती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम करने के लायक होता है, अच्छी एफिशिएंसी होती है यानी अच्छी विस्कोसिटी उसकी होती है। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी यानी चिकनाई जो है वो कम होती चली जाएगी, चिकनाई कम होती चली जाएगी, उसका लुब्रिकेशन का जो उसका लुब्रिकेशन जो उसे करना है वो कर नहीं पाएगा, जिसके वजह से वियर एंड टियर बढ़ेगा। तो इसलिए ल्यूब ऑयल को भी ठंडा करना पड़ता है, उसके लिए ऑयल कूलर लगा रहता है और यहाँ से भी पानी कूलेंट गुजरता है, जो ल्यूब ऑयल को पंप से जो ल्यूब ऑयल आएगा इसमें आएगा ऑयल कूलर में और उसके बाद फिर ऊपर को मींस इंजन में सप्लाई हो जाएगा। इंजन में सप्लाई कहाँ, इसमें भी ऑयल आता है इनमें, जिससे ये नीचे के पोर्शन में सारे में ऑयल आता है, जिससे जो है ये लाइनर जो है चिकना होता चला जाता है यानी लुब्रिकेटिंग होती चली जाती है और ये रिंग भी इसीलिए लगे रहते हैं कि ऑयल जो है क्रॉस ना करे और कंबस्टन नीचे ना आए। तो फ्रेंड्स आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ये कूलेंट कैसे चलता है। तो ये तो हो गया क्लोज्ड वाटर जैकेट सिस्टम। अब फ्रेंड होता क्या है, मान लीजिए आगे चलते हैं कि बड़ा इंजन है, तो बड़ा इंजन है यहाँ रेडिएटर नहीं है, ठीक है। अब ये लगी है पीएचई, या तो पीएचई होगी या फिर क्या होगा सेल एंड ट्यूब टाइप। तो जब सेल एंड ट्यूब टाइप और पीएचई लगी होगी तो फ्रेंड्स जनरेटर जब हमारे बड़े होते हैं तो उसमें ये फैन नहीं होता, ठीक है, यहाँ से फैन हट जाएगा। फैन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप बोलोगे फैन नहीं है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब फैन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कूलिंग टावर है, देखिए यहां से कूलिंग टावर लग जाएगा और यहां ये बीच में मैं यहां दिखा दूं तो ये एक कूलिंग टावर आ गया, कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी है वो इसमें आएगा
और गर्म होकर फिर ऊपर से वापस चला जाएगा। तो ये साइकिल कूलिंग टावर से चलने लगता है और फैन फिर कूलिंग टावर में लगता है। ठीक है, फिर कहाँ लगता है फैन? कूलिंग टावर में। तो अब क्या होगा कि कूलेंट भी इसमें से जाएगा और पानी भी इसमें से जाएगा जो हमारा कूलिंग टावर से आएगा। तो हम कूलिंग टावर का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे जिसके थ्रू वाटर जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा और उसी के थ्रू ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये फ्रेंड्स फ्लो डायग्राम है कूलेंट का और किस तरीके से कूलेंट कहाँ कहाँ इंजन में जाता है और किन किन चीज़ों में जरूरत। मोस्ट प्रोबली तीन जगह ही हमें यूज किया जाता है, लाइनर पिस्टन हेड में, हेड बोलते हैं उसको, और ऑयल कूलर में और इंटर कूलर में। तीन जगह कूलेंट ठंडा करता है, यानी जो हमारी इन एयर है उसको भी ठंडा करता है, ऑयल को भी ठंडा करता है और हेड को भी ठंडा करता है, यानी टेम्परेचर उसका डाउन करता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं जो हमारा कूलेंट का टेम्परेचर है फ्रेंड्स, जो इसमें कूलेंट चलेगा, कूलेंट का टेम्परेचर नॉर्मली हम कितना मेंटेन करते हैं? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 80 से 85 के बीच में चलता रहे। लेकिन जैसे ही 95 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो ट्रिप कर जाएगा या अलार्म दे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज इसके ऊपर क्या है, जब कूलेंट इसमें क्लोज लूप में है तो फ्रेंड्स कूलेंट कुछ लीक भी होता होगा, कुछ बर्न भी होता होगा, कुछ इधर उधर भी बिखर सकता है, यानी कूलेंट लेवल कम ज़्यादा भी हो सकता है वो। और दूसरी चीज, जब कूलेंट गर्म होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और जब कूलेंट ठंडा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो उसके लिए ये कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं इसको, या आप और भी बोल सकते हैं टैंक लगा रहता है और इस पर हमारा कूलेंट का लेवल दिखता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसका वो ये है कूलेंट है वो कूलेंट इसमें चला जाता है ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटर टैंक आप इसको बोलते हैं इसमें चला जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर उसका डाउन होगा तो इसमें से उसमें नीचे आ जाता है जिससे कूलेंट की कमी नहीं आती। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको फ्लो डायग्राम ऑफ कूलेंट का समझ में आया होगा, यानी कूलेंट की जो सप्लाई है वो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।